सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 24 साल पहले माधुरी दीक्षित की वजह से ये फिल्म नहीं करना चाहती थी करिश्मा कपूर, इस बात को लेकर थी घबराहट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करिश्मा कपूर टीवी के मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचने वाली है। इस दौरान उन्होंने अपने करियर और फिल्म से जुड़े कई मजेदार किस्से शेयर भी किए। उन्होंने 24 साल पहले आई ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है के गाने पर शो में धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दी। वहीं फिल्म को लेकर एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने शो में बताया कि वे सिर्फ माधुरी दीक्षित की वजह से इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। हालांकि डायरेक्टर यश चोपड़ा के लाख मनाने के बाद वे मानी और उन्हें इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 1997 में रिलीज फिल्म दिल तो पागल है सुपरहिट फिल्म है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच का लव ट्रायंगल काफी हिट रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को करने से पहले करिश्मा को काफी घबराहट हो रही थी। उन्होंने बताया कि माधुरी दीक्षित की वजह से वे फिल्म नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बताया बहुत सारे एक्टर्स ने माधुरी दीक्षित के साथ डांस करने की वजह से रोल को रिजेक्ट कर दिया था। वे एक बेहतरीन डांसर हैं और उनके साथ डांस परफॉर्म करना आसान नहीं होता है। करिश्मा ने बताया पहले मैं भी रोल को एक्सेप्ट करने से बच रही थी और कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आखिरकार यश जी और आदित्य चोपड़ा ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, फिर भी मैं काफी डरी हुई थी। उन्होंने बताया मेरी माँ ने भी कहा कि मुझे ये चैलेंज लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन हो और तुम्हें ये करना चाहिए, तुम मेहनत करो और देखना तुम चमकोगी। करिश्मा ने माधुरी और शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा दोनों मेरे परफॉर्मेंस के लिए बहुत सपोर्टिव थे और उनकी मदद से यह सब हो पाया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।